यूनिवर्सिटी में एक रूम में दो लड़कियों को रखा गया और तब उस वहाँ पे पॉजिटिव आते तो 10 मिनट के अंदर ही कहा गया कि एक कमरे में एक ही लड़की रहेगी, वॉशरूम भी 10 मिनट के अंदर अरेंज हो गया, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब जब 2 महीने से पहले कोई अरेंजमेंट नहीं था, मैंने 1.5 महीना कोविड में ड्यूटी थी और कोई क्वारंटाइन उस टाइम पे नहीं मिला। डी ब्लॉक में स्टाफ पॉजिटिव आई तब भी डी ब्लॉक को सील नहीं किया गया इन्होंने, और 4 घंटे बाद सैनिटाइज और 4 घंटे के बाद सैनिटाइज किया, जब डी ब्लॉक के तुरंत सैनिटाइजर उनको सील कर दिया जाता है। हमारा हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था 350 बेडेड का था, तब भी हमारे यहाँ 200 स्टाफ थी, आज 650 बेडेड है, आज भी 200 स्टाफ है, आज कोविड का पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है फिर भी 200 स्टाफ है। वही मर जाए वही खप जाए, यहाँ पे स्टाफों की भर्ती नहीं की जाएगी, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा ना ही रेगुलर लिया जाएगा। ये कहा जाता है कि मेरी लड़कियां, मैं 200 लड़कियों से ऐसे काम इतना बड़ा हॉस्पिटल चला के दिखाऊंगी, ये कोई हमें गधा बना रखा है, हमें आदमी नहीं समझा जा रहा। सरकार तुम्हें फड़ी की टिकट दे रही है, रोटी खाओ टिकटे खाओ और अपनी ड्यूटी पीटो, हमें ये जवाब दिया जाता है। हमारे साथ इतनी पार्शियलिटी की जा रही है, सभी लड़कियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, कुछ जो चहेती है उनको रखा जाए ये ड्यूटी नहीं करेंगी, और जो पिस रहा है वो बार बार वहीं पे कोविड में ड्यूटी करता रहे। हमें तो इतनी भी वो नहीं है कि हम मीडिया को बुला के अपनी बात ही रोक कर ले, मीडिया को गेट पे ही रोक दिया, यहाँ गेट लगा दिया, सिक्योरिटी वाले तो क्या आ गया, ना तो ये बाहर जाएंगे ना मीडिया अंदर आएगा। लड़कियाँ पॉजिटिव हुई है, कल वही लड़कियाँ वहीं पे इवनिंग में थी मैस में, तो इससे तो फिर पूरा सर्कल बन गया ना जिसको क्वारंटाइन होना चाहिए, इससे तो फिर 10 दिन बाद उनमें से भी पॉजिटिव आ जाएंगी, सेकंड थर्ड सैंपल सारे पॉजिटिव आएंगे, सब पॉजिटिव आएंगे। कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक ड्यूटी करो, रिपोर्ट ही नहीं आती 4 दिन में, उसके बाद वो हमें क्वारंटाइन करेंगे और क्वारंटाइन उसके बाद होगा वो भी सबका इकट्ठा, दो का इकट्ठा। पॉजिटिव स्टाफ के डॉक्टर के साथ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसके साथ जो भी साथी है, एक इंटर्न आ जाती है तो उसका पूरा हॉस्टल सील कर दिया जाता है। स्टाफ के साथ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उन लड़कियों को क्वारंटाइन देने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज है, लड़कियों को बोला जाता है ड्यूटी करो क्वारंटाइन बाद में देखा जाएगा। और अंदर अगर पेशेंट के पास कोई बैठता है तो स्टाफ बेड और स्वीपर तीन के अलावा कोई